Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 6, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड करंट। बाउंड करंट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन को हमने देखना है। प्रीवियस सेशन में बाउंड करंट की फॉर्मुलेशन की थी हमने, सरफेस बाउंड करंट, वॉल्यूम बाउंड करंट, दो करंट्स की। तो अब हम देखते हैं कि इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है, यानी कि अब किसी भी सरफेस के अंदर करंट तो अराइज़ हो गया, बाउंड करंट अराइज़ हो गया। अब उसकी फिज़िकली जो सिग्निफिकेंस हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, अगर हमने उसको माइक्रोस्कोपिक उसके एनालिसिस करना हो, उसको चेक करना हो, तो वो किस तरह का हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, क्या टर्म्स आएंगी। तो रो बी एंड सिग्मा बी, ये दो जो टर्म हैं जिसको हमने नेम दिया था बाउंड सरफेस बाउंड करंट का और वॉल्यूम बाउंड करंट का, रिप्रेजेंट परफेक्टली जेन्युइन फॉर्मुलेशन ऑफ चार्जेस। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं परफेक्टली, यानी कि ये एक्यूरेटली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं कि किसी भी सरफेस के अंदर जो लोकेशन है चार्जेस की वो किस जगह पे है, उन चार्जेस ने अपने आप को किस जगह पे लोकेट किया हुआ है। वो कैसे हमें पता लगता है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जब हम उसको उसकी डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन के थ्रू हमें पता लग जाता है इन दोनों टर्म्स के थ्रू कि वो जो चार्ज है वो किस जगह पे लोकेट हुआ है इस ऑब्जेक्ट में। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये इसकी सरफेस है, ये इसकी सरफेस है और ये इसका पूरा व्यू है। तो अब इसके अंदर कुछ मैंने चार्जेस रखे हुए हैं इसकी सरफेस के ऊपर, ये इसकी सरफेस के ऊपर मैंने कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। अब जब मैंने इनको इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो इन चार्जेस ने अपने आप को अलोंग टू द एक्सटर्नल फील्ड एक्यूमुलेट कर लिया, अपने आप को उसके पैरेलली एक्यूमुलेट कर लिया। अब ये वहाँ पे मैग्नेटाइज हो गया ये जेट, तो मैग्नेटाइजेशन क्या है, आउट ऑफ दी पेज है ये एम जो है इस चीज़ को शो कर रहा है, और ये विड्थ इसकी मैंने टी ली हुई है, और जो करंट है वो आई इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो इसी की एक नेक्स्ट, इसका एक नेक्स्ट व्यू है उसको हम देखते हैं, ये देखें। अच्छा, अब जैसा कि मैंने कहा था, जब कोई भी चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, तो वो एक दूसरे की, यानी कि काफ़ी एक या एक से जब दो या दो से ज़्यादा चार्जेस एक सरफेस के अंदर इकट्ठे होते हैं, तो वो एक दूसरे की इंटरनल जो उनकी इन्फ्लुएंस होता है, जो उनका इंटरनल इफेक्ट होता है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं सरफेस के अलोंग। तो यहाँ पर अब क्या हुआ इस पिक्चर के अंदर, ये जो पिक्चर है, अब इस पिक्चर के अंदर ऐसे हुआ कि सरफेस चार्जेस हैं, उन सब ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। तो क्या हुआ, जो करंट है वो फिर सिर्फ इस, ये जो इनके साइड्स हैं, यानी कि इमेजिन कर लें कि एक सर्कुलर प्लेट है, सॉलिड सर्कुलर प्लेट है, और उसकी विड्थ जो है वो टी है। अब उसकी विड्थ टी है, तो उसकी डेफिनेटली दो सर्फेसिस भी होंगी, अप एंड डाउन। अगर हम उसको ऐसे सीधा रख लेते हैं, एक ऊपर वाली साइड से सरफेस होगी, एक नीचे वाली साइड से सरफेस होगी, यानी कि एक इस साइड पे और एक इस नीचे वाली साइड से। तो अब ये जो इसकी विड्थ है, ये विड्थ है, इस विड्थ को मैंने ये रिबन फॉर्म में शो करवाया हुआ है। अब यहाँ से करंट एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट मूव कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज, ये उसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन शो की हुई है। और ये मैग्नेटाइजेशन है, यानी कि जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज है, और ये उसका n यूनिट वेक्टर है। तो हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मेशन में क्या है, m इज इक्वल टू mv। अब बुक में कैसे लिखा है, वहां पे है m इज इक्वल टू mat। अब at क्या है,
मैंने अभी बताया कि जो विड्थ है हमने टी ली है और ये है एरिया उस सॉलिड लूप का, या हम कह दें जो रिबन है, जो रिबन बन गया यानी कि उसकी इंटरनल साइड्स तो कैंसिल हो गई, तो जो साइड पे एक स्ट्रिप सी रह गई है उसका ये एरिया है ए। तो अब उसी एरिया को मैंने वी के यानी कि वॉल्यूम फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं एम इज इक्वल टू ए क्रॉस आई, यानी ए जो एरिया है उसके अंदर से करंट गुजर है आए। तो मैंने इसको थोड़ा सा समराइज करके यहाँ पे आई क्रॉस ए लिख दिया। ये मेरे पास बन गई थी इक्वेशन वन, एम इज इक्वल टू एम वी, जिसको वहाँ पे एम टी लिखा हुआ है। तो अब इसको मैंने इक्वेशन वन का नेम दे दिया एम इज इक्वल टू एम वी को, और यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को वन दे दिया टू का। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो क्या होगा, अब ये है एम ए टी, ये एम ए टी है और ये है आई क्रॉस ए, ये ए इस ए के साथ कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा अकेला टी एम टी और यहाँ पे आ गया आई। यहाँ पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम टी आ जाएगा, जैसा कि चैप्टर में लिखा हुआ है एम इज इक्वल टू आई टी। यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, ये एम टी है और यहाँ पे भी टी है, ये वही टी विड्थ है, आई नहीं है ये, तो आई ये है वही जो करंट उस स्ट्रिप के कॉर्नर से फ्लो कर रहा है। तो बाय सरफेस करंट डेंसिटी, अब सरफेस करंट डेंसिटी से देखें, अब सरफेस करंट डेंसिटी हमें क्या बताती है, सरफेस करंट डेंसिटी जिसको हम के बी से शो कर डिनोट करते हैं, के बी इज इक्वल टू डी आई ओवर डी एल, यानी कि लेंथ और लेंथ की डिफरेंशिएशन, डी एल और डी आई, आई ओवर टी आ गया। इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर फोर का, इक्वेशन नंबर फोर का इसको मैंने नेम दे दिया। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आई, अब इस आई की वैल्यू पुट करनी है इनटू के बी, इस के बी के अंदर, अब इस के बी के अंदर मैंने ये इस आई की वैल्यू पुट करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी इस वैल्यू को इस के बी के अंदर पुट करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एम, क्योंकि अगर मैं देखें आई इज इक्वल टू टी है, यहाँ पे क्या है एम टी, ठीक है, तो ये टी इस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा आई इज इक्वल टू एम, सिंपल ये टर्म आ जाएगी। अब क्या है, के बी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन, के बी है एम क्रॉस एन, अब के बी यहाँ पे है एम क्रॉस एन, जो कि हमारे पास इसकी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर इसकी ये जनरलाइज टर्म आ गई है। नाउ फॉर नॉन यूनिफॉर्म बी, अब ये तो हमने बात कर ली कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो उसके लिए ये मेरे पास जनरलाइज फॉर्म हो सकती है, उसकी फिजिकल इंटरप्रटेशन हो सकती है बाउंड करंट की यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। अगर मेरे पास फील्ड है वो बी नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो मैं यहाँ पे कौन सी टर्म को इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, नॉन नाउ फॉर नॉन यूनिफॉर्म बी, यानी कि अब हमने प्रोसीड करना है फर्दर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बी के लिए। तो उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये कि ये देखें दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है जो अभी हमने यहाँ पे ड्राइव किया है एम क्रॉस एन, आल्सो रिकॉर्ड दैट फैक्ट द फैक्ट दैट देयर इज़ नो करंट ऑन द टॉप और बॉटम। मैंने जैसे बताया कि अगर हम यहाँ पे सॉलिड प्लेट लें, अब उस सॉलिड प्लेट की टॉप और बॉटम इस पर कोई करंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस कोई इफेक्ट नहीं होगा चार्जेस का, अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो यहाँ पे इस स्ट्रिप के कॉर्नर्स पे मूव कर रहे हैं, जिसको हमने नेम दिया रिबन का, ऑफ दी स्लैब, इस स्लैब के हेयर एम, जो एम है यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन है इज़ पैरेलल टू एन, ये पैरेलल है एन के, इसके यूनिट वेक्टर के, जिसको हम इससे शो करते हैं। सो द क्रॉस प्रोडक्ट वैनिशेज, अब क्रॉस प्रोडक्ट वैनिश हो गया क्योंकि एम जो है वो पैरेलल है एन के, एम और एन ऐसे पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये ख़त्म हो गया। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नॉन यूनिफॉर्म बी के लिए। व्हेन द मैग्नेटाइजेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, जब मैग्नेटाइजेशन होगी नॉन यूनिफॉर्म, द इंटरनल करंट नो लॉन्गर कैंसल, बिल्कुल यही स्टेटमेंट प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताई थी कि इंटरनल करंट नो लॉन्गर कैंसल या नो लॉन्गर दिस केस अकर,
जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन होगी। फिगर ये शो कर रही है, ये एक और दो, ये दो फिगर्स हैं, ये शो कर रही हैं कि एडजेसेंट चंक्स कौन से, ये वाले, ये एक, ये और एक, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों चंक्स एडजेसेंट और यहाँ पे ये दोनों चंक्स, ये दो सर्फेसिस एक दूसरे के साथ आपस में मिला रही हैं। ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटीरियल, जो एडजेसेंट साइड्स हैं मैग्नेटाइज्ड मटीरियल की, विद अ लार्जर एरो ऑन दी वन टू दी राइट सजेशन। यानी कि अब मेरे पास ये दो मैग्नेटाइज्ड मटीरियल हैं, मैग्नेटाइज मटीरियल के दो सैंपल्स हैं अब, जिनको मैंने इस रेक्टेंगल या स्केयर में शो किया हुआ है। अब ये मैग्नेटाइज मटेरियल के दो सैंपल हैं जिसकी दो एडजेसेंट साइड आपस में मिल रही हैं, और ये जो लॉन्गर एरो है ये शो कर रहा है कि ग्रेटर मैग्नेटाइज एट द पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटाइजेशन है वो ग्रेटर है। ऑन द सर्फस वेयर दे जॉइन, जहाँ पर ये दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पर जो फील्ड है मैग्नेटाइजेशन का वो ज़्यादा है। देर इज़ अ नेट करंट इन द एक्स डायरेक्शन, तो नेक्स्ट जो करंट है वो होगा एक्स डायरेक्शन में। तो अभी तक हमने फाइंड किया, पहले सबसे पहले तो हमारे पास एक मटेरियल था जिसको हमने मैग्नेटाइज कर लिया, मैग्नेटाइज करके हमने उसकी टाइप देखी कि उसकी टाइप्स कौन सी होंगी, फिर उस टाइप्स को हमने फर्दर डिस्कस किया, उसकी फॉर्मुलेशन की, उसकी फॉर्मुलेशन करने के बाद हमने उसकी डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस किया। तो अब तक हमने यहाँ पे अपने जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को इन्वॉल्व नहीं किया था, हमने ये कहा कि बस करंट है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटाइज मटेरियल है, तो उसकी कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स में हम अगर उसको रख के देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। अगर मैं एक्स में रख दूँ क्या हो सकता है, वाई में, जेड में, जो भी मेरे पास कोऑर्डिनेट है, मैं उसमें किस तरह ये बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम जेड इज इक्वल टू एम, अच्छा इस टर्म को, ये एम है मैग्नेटिक मोमेंट और ये मेरे पास है मैग्नेटाइजेशन। ये मैग्नेटाइजेशन किसकी है, उसी ऑब्जेक्ट की जो जिसको मैंने मैग्नेटाइज किया है, ये है एम जेड वन, ये एम जेड वन, ये एम जेड वन और ये मैग्नेटाइजेशन है एम जेड वन की, और ये मैग्नेटिक डाइपोल है इसी का, एम जेड वन का। तो अब करंट जो है, करंट आई फ्लोइंग इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे अगर इस इमेज में देखें तो क्लियरली यहाँ पे पता लग सकता है। ये देखें, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि जो करंट है वो डायरेक्ट फ्लो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, यानी के एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ऐसे करंट कैसे था, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो अगर मेरे पास करंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर उसको ओपन करके देखना चाहूँ दोनों मटीरियल के लिए, एम जेड मैग्नेटाइजेशन Z along to the Z direction, मेरी जो मैग्नेटाइजेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, Z direction में है ना, तो एम जेड वाई प्लस डी वाई ये वाली टर्म आ गई, माइनस एम जेड वाई ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, अब इन दोनों टर्म का मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट ले लिया विद रिस्पेक्ट टू डी जी, और इसका फिर मैंने ले लिया पार्शल डेरिवेटिव। मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट, मैंने अपने मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट का जो कि मैग्नेटाइजेशन है पार्शल एम और पार्शियल वाई, अब इन दोनों का मैंने ले लिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी वाई एंड डी जी। तो मेरे पास क्या होगा, करंट डेंसिटी आ जाएगी, करंट की डेंसिटी आ जाएगी मेरे पास। जैसा कि हमने बाउंड करंट फाइंड किया था, तो बिल्कुल ये सेम वही चीज़ आ रही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये एक्स डायरेक्शन में है और यहाँ पे मैंने इसको अपने मैग्नेटाइज मटेरियल को डिफरेंशिएट किया हुआ है। डिफरेंशिएट हम क्यों करते हैं वो सबको पता है, वो सब जानते हैं कि हम चेंज फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन इन वाई डायरेक्शन, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हमारे पास करंट तो आ गया,
करंट को तो हम बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं ना कि करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, लेकिन हम वहाँ पे अपने कोऑर्डिनेट्स को नहीं इन्वॉल्व करवा रहे थे। जब अब हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट को इन्वॉल्व कराया तो ये एक्स कोऑर्डिनेट में मेरे पास ये टर्म बन गई, और बिल्कुल सेम इसी तरह मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट में ये टर्म बनेगी, पार्शल एम वाई ओवर पार्शल जेड। तो ये क्या हुआ, अगर अब मैंने इन दोनों टर्म्स को जब ऐड किया तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करने के बाद मेरे पास जे बी इज इक्वल टू, जे बी क्या था, ये बाउंड करंट था डेल क्रॉस एम, या इसको आप डेल कह लें, कर्ल कह लें, इसको वैसे कर्ल भी कहते हैं, डेल भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी, यानी कि सिचुएशनल इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो अब यहाँ पे लाइक एनी अदर स्टेडी करंट जे बी शुड ओबे कंजर्वेशन लॉ, यानी कि किसी भी स्टेडी करंट की तरह जो जो जे बी है इसको भी कंजर्वेशन लॉ फॉलो करना चाहिए, उसको ओबे करना चाहिए। डेल डॉट जे बी कंजर्वेशन लॉ से सभी वाकिफ़ हैं तो मुझे यहाँ पे उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जे बी डॉट डेल डॉट जे बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, क्योंकि ये जो करंट है वो कंजर्वेशन लॉ को ओबे कर रहा है, तो इस वजह से मेरे पास ये जो टर्म है वो होगी ज़ीरो। फॉर द डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज ऑलवेज ज़ीरो, जो डाइवर्जेंस होती है कर्ल की वो ऑलवेज ज़ीरो होती है, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कर्ल की जो डाइवर्जेंस होगी अगर हम कर्ल का डाइवर्जेंस लें तो हमेशा आएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था फिजिकल इंटरप्रटेशन, हमने देखनी थी इसकी बाउंड करंट की, कि बाउंड करंट की जो अराइज होता है उसकी फिजिकल इंटरप्रटेशन कैसी हो सकती है। फिर हमने यूनिफॉर्म फील्ड के लिए देखी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए देखी, तो इसका इसके लिए दो तीन टर्म्स जो थी वो न्यू टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। तो आई होप के आपको समझ आ गई होगी, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइनिंग व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब के थ्रू भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही मिल सकते हैं। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।